ये लोग सब मेरे पास हंस रहे हैं कि ये इतनी गंदी चाय पीती है, क्योंकि सब दूध वाली भी थे ना यहाँ पे, तो इनको बहुत हैरान किया कि क्या ऐसी भी कोई चाय होती है जो बनती है। कोई बराबर बोला है ना, पत्ती शुगर कुछ नहीं है, मिल्क भी नहीं है। अय्यो माय गॉड, जन्नत की तरफ प्रवेश करते हुए दुबे फैमिली। कैरी नहीं आती तो पछता के मर ही जाती। गलत हो जाता है, मन बहुत खुश हो गया। हाँ ये तो है, मतलब क्यों मतलब क्यों कर रहे हैं, ले जाएंगे नहीं, मेरे कहने का रीजन मतलब मकसद से भी है ना कि आपका बर्थडे है, ठीक है, बर्थडे में माँ बाप नहीं रहते हैं, आप दोनों बर्थडे पे क्यों नहीं माँ बाप रह सकते, दोनों जने जाके एंजॉय करो, इस बार हम लोग मैरिज यूनिवर्सरी चले जाएंगे। क्या हुआ, इनको ले जाना होगा तो हरिद्वार ले जाके घुमा दूंगा गंगा जी में। ये मेरे को हरिद्वार भी नहीं ले जाएंगे, मैं कहती हूँ कि हरिद्वार चलते हैं। क्या बात हुई, मम्मी का मन है जाने का, तो कभी भी जा सकते हैं, तो गाड़ी काम करते हैं, इनको छोड़ के चलेंगे, हम तीनों चलेंगे, अब मजा आएगा। कोई बात नहीं, हर जगह मेरा पत्ता क्यों काटते हैं, खाने बैठूंगी अरे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, अरे बेटा मत खाने, अरे मेरे को अपने शरीर का पता है ना। हाँ ये तो है, मेरी तबीयत खराब था, मैंने कुछ नहीं छुआ, कुछ हाथ नहीं लगाया, पहले ही बोल देंगे अरे मत खाओ तुम्हारी तबीयत खराब। बताओ पापा, अगर हम लोग सोचते हम दोनों दो ही जने आएंगे तो ये जन्नत मिलती रहेगी, देखो मुझे, देखो मम्मी, देखो जन्नत नहीं मिलती, देख के बता देते तो अभी 10% तो समझ में आ जाता, लेकिन इतना रियल चीज नहीं, तो ये नहीं मिली ना। अब आप बोल रहे हो कि इनको क्यों लेके जा रहे हैं, ये नहीं जाएंगे, चलो आप लोग दिल्ली आना फिर चलेंगे। देखो जरा पागल, देखो पागल, देखो अरे मम्मी कहाँ से धुआं निकल रहा है, धुआं नहीं है पागल है, आपको कहते हैं फॉग। गुस्सा आया कि मैं क्यों नहीं जा सकती वहाँ पे, बर्थडे है तो क्या हुआ। अरे अरे बेटा मत दो इनको खाने को, अरे इनकी तबीयत खराब हो जाएगी बेटा, और खुद सब्जी के साथ साथ केले का पत्ता भी खा गए। तो मैं आपको बता दूं, ये जो टोटल लड़ाई हो रही है ये इसी बात पे हो रही है कि हम मम्मी पापा को कहीं घुमाने के लिए लेके जाना चाहते हैं, तो मम्मी खुश हुई, पापा ने कहा कि नहीं दोनों बच्चों को जाने दो, क्यों जाना है, तो मम्मी ने कहा कि मैं जाऊंगी तुम मत जाओ। ये लड़ाई है, कह रही है ये बेटा मुझे हरिद्वार भी नहीं लेके जाएंगे, कश्मीर कन्याकुमारी तो बहुत दूर की बात है, जयपुर कितना पास है, चाहे तो अपनी गाड़ी जयपुर नहीं लेके जा रहे हैं, जयपुर तक नहीं गई हूँ, मथुरा वृंदावन गई हूँ तो अमरावती और वहाँ पे भी चप्पल अलग चोरी हो गई, चप्पल चोरी हो गई, चप्पल चोरी हो गई, दो बार उन लोगों को जैसे मैं पर्स चोरी हुआ, चप्पल चोरी हो गई। दोस्तों ये है पूरा टाटा टी गार्डन, सब टाटा टी, हाँ टाटा टी गार्डन है, हर पहाड़ पे टाटा टी गार्डन, और जो बस्ती आपको वहाँ दिख रही है ना उस बस्ती में वो सारे लोग रहते हैं जो इस टाटा टी गार्डन में काम करते हैं। वाओ, टाटा टी गार्डन की वजह से लुक और भी अमेजिंग हो गया पहाड़ों का। रुक ही नहीं पाए, हमने गाड़ी रोक दी, ये व्यू देख लो, जो नंगी आंखों से जो व्यू दिख रहा है ना इसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, जो कलर है जो ब्यूटी है, वाओ देखो जरा, बाप रे बाप, ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि टी गार्डन हमें देखने को मिलेगी। अरे मम्मी ये तो जन्नत है भाई, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था यार। वाओ ये क्या देख रही हूँ मैं, अरे आज तो मम्मी ने अपना कैमरा निकाल लिया, कैमरा निकाल लिया, आज तो मम्मी ने अपना कैमरा निकाल लिया भाई फोटो खींचने के लिए, मैं खींच देती हूं इसको, इस वीडियो बनाना फोटो खींचना, ऐसे ऐसे कर लो फोन, हाँ लिया आई ना फोटो, जब मम्मी ने अपना कैमरा निकाल लिया मतलब कि खूबसूरत चीज है। ये नजारा देख लो भाई, वाह जी वाह, क्या बात है।
मेरा दिल है वो देखो ना, वो ना सबको तैयार करके ना, जैसे चाय के बागान में आप कैसे जाते हो बागों में टोकरी लेके, वैसे मेरा भी करने हो। देखो ना फोटो वोटो खींच रहे हैं, ये देखो ना बीबी किसी और को पहना रहा है वो। अच्छा, वो दुपट्टा पहना के और टोकरी लगा के फोटो खींचाएंगे। बस ओके, दिस इज टू मच मिल्क। वो कैया ये यो मतलब वो इतना पतला चाय इधर नहीं, ऐसा नहीं पतला। इनको बताओ कि एकदम पतला बारीक और अच्छा बारीक और लो शुगर शुगर वेंडा ठीक है ओके चटा नीले ऐलक के डटा इलायची मेरा इलायची नहीं है ना नहीं इलायची अदरक का इंजी इंजी अदरक अदरक नो शुगर शुगर वेंडा पुट्टी गिव इट टू बॉयल ओके एंड इट इज मेड। ये लोग सब मेरे पास हंस रहे हैं कि ये इतनी गंदी चाय पीती है क्योंकि सब दूध वाली भी थे ना यहाँ पे, तो इनको बहुत हैरान किया कि क्या ऐसी भी कोई चाय होती है जो बनती है। कोई बराबर बोला तो उससे अंदर बोला मैंने, अंदर बोला आई आईयो पत्ती शुगर कुछ नहीं है, मिल्क भी नहीं है, आई आईयो गुड़पट्टी वेरी गुड थैंक यू। अजय पीलिया के चाय ना करते करते क्या मजा आ रहा है चाय पीने में, ऐसा मौसम में चाय पी। आपको पता हम लोग जन्नत में हैं और चाय पी रहे हैं, जन्नत रूह ना तृप्त हो गई आत्मा मेरी। पूरे बादल बारिश मुनार के पहाड़ और चाय। तो जी हम लोग आ गए हैं चॉकलेट फैक्ट्री में जहाँ चॉकलेट टेस्ट कराई जाती है। लेनी है वजन बढ़ेगा फिर। मैं ये बता दूं मैंने इतनी अच्छी चॉकलेट कभी नहीं खाई। अनदर सेगमेंट एक मैं ऑरेंज की टेस्ट कर दूं, ऑरेंज की टेस्ट कराएगी। ये देख लो भाई मम्मी भी आ गई है। कैसी है, कौन खाएगा अगर ले लेंगे तो। तो जी ये चॉकलेट फैक्ट्री से हम लोग निकल रहे हैं अभी। चॉकलेट फैक्ट्री से घर के बच्चों के लिए थोड़ी बहुत फ्रूट जेली और थोड़ी बहुत मैंगो चॉकलेट वगैरह ले ली है। तो छोटे बच्चे घर के मैं ही हूँ। जब तुम भाग भाग के चॉकलेट टेस्ट कर रही थी ना, हाँ। तो मम्मी ने एकदम से पीछे से आके बोला हाथ पकड़ के, बेटा देखना एकदम से भूत चढ़ेगा खरीदने का, ध्यान रखना कंट्रोल में। देखो चाबी आए हैं, पीछे खड़े हैं ये नहीं ये लोग इंतजार कर रहे हैं, चलो चाबी दे दे और खोले। भैया फाइनली सुबह के निकले अब घुसे हैं रूम में, अभी पापा मम्मी के चक्कर आ रहे नींद के मारे, लेकिन पहले चाय पी जाएगी। डिनर कैंसिल है भैया, आज का डिनर नहीं होगा। बहुत बारिश हुई है और सीधा उठ के तैयार होके पैकिंग करके हम लोग निकले क्योंकि आज हमें इस होटल से निकलना है, चेकआउट करके जाना है ठिकड़ी। और रात को हमारा टाइम पूरा चेंज हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था, हमें ये पता था कि हमें थोड़ा लेट निकलना है, लेकिन फिर पता चला हमारी वाइफ को बुकिंग है कोई लेक वेक की जो की जल्दी की बुकिंग है, तो हमें ब्रेकफास्ट करके भागना है फटाफट। मम्मी पापा चले गए क्या? नहीं नहीं यही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा। रेडी? एकदम रेडी। अरे 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 जबरदस्ती कर रही है ताकि मेरे को भी करना पड़े, पता है कि मेरे को बुरा बेटा बनाने में लगी है, पता जानू के पैर छू रही है कि मेरे को भी छूना पड़े। बुरा हैं? दो नहा पूतो फलाओ, दो तो नहा पूतो फलाओ या फलो फलो, एक तो दूसरे का पूतो फलाओ हो गया ना। चाय पी थी? नहीं। चलो फिर ये तो वही है ना मम्मी की बोली है कितना अच्छा। जी कल हमारा हॉट एयर बलून तो नहीं हो पाया, हवा चल रही थी, वापस आए तो बंद हो चुका था। वो तो मम्मी का वो था ना, श्राप था। मम्मी ने ऐसा श्राप दिया कि इस बलून में नहीं बैठूंगी तो नहीं बैठूंगी, पूरे दिन नहीं उड़ पाया, उनका धंधा ही मंदा हो गया पूरे दिन, पता है। तो अब हमने उनसे रिफंड मांग लिया है, रिफंड आ जाएगा थोड़ी देर में। हम लोग जा रहे हैं थेकड़ी, थेकड़ी में जाते ही हाँ है कौन सा पेरियार लेक राइड कुछ है वो हमको करना है। मैं परसों के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि उसके अगले दिन हमको जाना है एलईपी हाउस बोट बैक वाटर्स में जो चलती है। जिनको नहीं पता उनको बता दूं बैक वाटर्स क्या है। केरला का एक पार्ट है जहाँ पे समंदर का पानी ना अंदर की तरफ आ गया है, वो एक्चुअली समंदर नहीं है।
लेकिन स्टेट के अंदर आ गया पानी, तो वहाँ पर ये लोग बोट चलाते हैं, उसको बोला जाता है बैक वाटर्स, पानी जमा हो गया समंदर का। अच्छा, अच्छा, उसमें हाउस बोट्स होती हैं, ओवरनाइट स्टे कर सकते हो आप, या दो चार घंटे की राइड भी कर सकते हो। और हाउस बोट्स नाम से आप समझ जाओ बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप घर के अंदर ही हो, ऐसी बोट्स हैं। उसमें आपके मील्स, आपकी राइड, आपकी चाय कॉफी सब कुछ इंक्लूडेड होता है। तो अम्मी रात को फिर भूख लगी थी, चिप्स खाए थे। अच्छा, आप लोग तो बोले थे अब नहीं खाएंगे, बहुत खा लिए खाना, चिप्स खाए थे और काजू बादाम रख लिए, कहीं रास्ते में मन मन करेगा तो खा लेंगे। पापा चाबी ले ली, अभी तो सूटकेस के अंदर है ना, नहीं बैग में। मन किया तो सूटकेस कैसे खोलोगे? नहीं बैग में, बैग में। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम लोग इस जगह आए हैं जहाँ हम दो दिन से आना चाह रहे हैं लेकिन जगह नहीं मिली। अरे पूल, यहाँ नहीं आए हम लोग, यहाँ बैठ के हमको चाय कॉफी पीनी चाहिए थी। अरे 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 अरे, तो पूल है पूरा, ये देखो पहाड़ है पूरे, इन्फिनिटी पूल है, यहाँ से पूरा सामने दिखता है। अरे अविनाश, ये क्या किया हमने, ये देखो माय गॉड सुंदर कितना है, एक पिक्चर खींच दो मेरी, पूरी खाई दिख रही है यहाँ से। चलिए जय गणपति महाराज जी, जय माता दी। तो जी हम लोग रास्ते में रुके हैं और मम्मी को फिर से, क्योंकि ट्रैवलिंग से थोड़ा प्रॉब्लम होता है, वॉमिटिंग हो गई है, रास्ते में रुकना पड़ा है। संभावना कुछ नींबू वींबू का मिला के कुछ दे रही है, नींबू का वो चला गया अंदर, आओ थोड़ा वॉक करके आएंगे। क्या मिला दिया, क्या मिला? नींबू और लिमका दिया इनको थोड़ा सा। आओ मम्मी हल्का सा वॉक करेंगे ना तो अच्छा लगेगा, मैं थोड़ा वॉक करके आती हूं। तो जी इधर दोनों सास बहू निकल गई हैं वॉक के लिए, थोड़ी वॉक करेंगे ताकि मम्मी का मन थोड़ा ठीक हो। और आप ये देख लो रास्ता कितना खूबसूरत है, हम बीच रास्ते में हैं मुन्नार से थेकड़ी के बीच में, और ये है रास्ता, बड़ा घुमावदार रास्ता है, साफ सुथरा क्लीन रास्ता लेकिन घुमावदार है। ओ ये कॉफी बीन्स है, और ये जो आप देख रहे हो ना छल्ले 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 छल्ले, ये सब कॉफी बीन्स है, ये पका हुआ कॉफी बीन्स है, ये कच्चा कॉफी बीन्स। तो जी आ गई हमारी लेमन टी, बढ़िया वाली एकदम। इसमें क्या शुगर डाल रहे हो? हाँ मजा आएगा ना थोड़ा थोड़ा शुगर डालेंगे तो। लेमन टी तो मेरे को इतनी अच्छी लगती है ना, तो भी इधर का है ना थोड़ा। अच्छा ओ अम्मी कैसा लग रहा है अभी? अभी अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है। अरे अविनाश क्या हुआ, क्या लेमन टी है? हाँ अरे पापा पियो, घबरा गए पापा, अच्छी है। तुमने बोला ऐसा ना, अरे समझ में नहीं आया अच्छी है कि बुरी है, अभी कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। ये लिमका पी डालो अभी? नहीं। लेमन टी? कुछ नहीं। बड़ा? कुछ नहीं बड़ा, पी ले काफी, पानी तक नहीं, पानी तक नहीं अभी। नहीं अभी अच्छा लगेगा आपको। दो लेमन टी पी गई है, दो। सास उल्टी कर रही है, बहू जेम्स खा रही है, देखो जरा, यही है आज का समाचार। जेम्स? जेम्स? बच्चे खाते हैं, बच्चे खाते हैं, बोली तरह तरह की। तो जी ये हम लोग थेकड़ी के रास्ते में रुके हैं, गणपति बप्पा का बहुत प्यारा जो स्टेचू है यहाँ पे सामने, देखा मैं आपने, खूबसूरत। ये और पीछे लें गाड़ी, नहीं दिख रहा है। चलो भैया गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। तो जी हम लोग पहुंच गए अब थेकड़ी, अपने होटल चेक इन करके निकलना है फटाफट आगे के लिए, लेक बोट राइड के लिए, जो कि बेसिकली बोट सफारी है, पता तुम्हें जंगल मिलेगा। जी फाइनली हम लोग पहुंच गए होटल, और होटल में भी ज्यादा वक्त मिलेगा नहीं हमें, हमें फटाफट निकलना पड़ेगा, तुरंत निकलना है। लेकिन पहले वही होटल देख लें, अभी तो होटल कुछ पता नहीं चल रहा, अभी तो सिर्फ एक जगह पे ही है। देखो जरा मम्मी व्यू यहीं से देख लो, आओ इधर आओ, ये क्या है बाप रे, बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर, ये तो दूसरी जन्नत में आए हैं। देखो पापा कितना अच्छा व्यू है, देखो सामने स्विमिंग पूल है, नहा के लेट सकते हैं, सारा शौक पूरा करें, अब शौक पूरा कर लेना पापा, स्विमिंग कर लेना।